नमस्कार, लोकमत खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में नीरव मोदी और अन्य आरोपियों पर कसा शिकंजा, पासपोर्ट किए गए सस्पेंड। पंजाब नेशनल बैंक में हुए मां घोटाले के आरोपियों पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट विदेश मंत्रालय ने 4 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने दोनों से इस हफ्ते में जवाब मांगा है कि क्यों न आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। दूसरी तरफ सीबीआई शुक्रवार को पीएनबी के पूर्व अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी के घर जांच के लिए पहुंची। सीबीआई ने गीतांजलि ग्रुप के शोरूम पर छापेमारी भी शुरू कर दी है। सीबीआई ने पीएनबी की शिकायत पर गीतांजलि ग्रुप के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्टूडेंट्स के साथ की परीक्षा पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों से दोस्ताना अंदाज में संवाद किया। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि आप यह भूल जाइए कि आप किसी प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ी शिक्षा मिली कि भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत देना। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन में सब कुछ है, लेकिन आत्मविश्वास न हो तो कुछ नहीं कर सकते। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को झटका, कर्नाटक को मिलेगा ज्यादा पानी। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बेहद लंबे समय से चल रहे कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला देते हुए तमिलनाडु को मिलने वाले पानी का हिस्सा घटाकर 192 से 177.25 टीएमसी कर दिया है और यह हिस्सा कर्नाटक को दे दिया है। हिस्सेदारी बढ़ाए जाने के बाद अब कर्नाटक को 270,000 मिलियन क्यूबिक फीट के स्थान पर 284.75 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसलों को लागू करवाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। योगी सरकार ने आज पेश किया अपना यूपी का दूसरा बजट। योगी सरकार ने आज यूपी का बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में 14,341 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है, लेकिन विपक्ष ने इस बजट को झुनझुना बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का 2018-19 का बजट बेहद शानदार है। उन्होंने वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश का समग्र विकास होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव में अब उम्मीदवारों को अपने आश्रितों की आय का भी स्रोत बताना होगा। चुनाव सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि नामांकन के वक्त भी प्रत्याशियों को अपने साथ अपनी पत्नी व आश्रितों की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा। अभी तक प्रत्याशियों को हलफनामे में सिर्फ चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना होता था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी अपनी और अपने परिवार की आय के स्रोत का खुलासा करे या नहीं। दिन भर की बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज.इन के साथ।